कुछ भी आप बोल लें, अगले पीएम तो 56 इंची सीने वाले ही होंगे। लहर चल रही है साहब, कोई जवाब देने की ये आ ही जाते। फोटोग्राफर भी वही बनता है जिसको बचपन से दूसरों के घरों में ताक झांक की आदत होती है। मैं कुछ नहीं कह रहा, मुझे कहने की जरूरत पड़ी क्या कि ताली बजाओ या ऐसे बजाओ? आप लोग क्यों बजाओ ताली? मान लो आप ज्यादा ताली बजा दो, आपकी आदत पड़ जाए रात भर ताली बजाने की, दूसरे दिन आप दोपहर को किसी चौराहे पे हो बजाने लगो, तो लोगों को शक होता है कि ये वो है कि वो है। इसलिए कोई तनाव मत लेना। वातावरण ऐसा बना साहब पुलवामा में, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हमला हुआ, 40 लोग शहीद हुए। कभी कभी एक रिंग टोन काम कर देती है साहब। हमारे 56 इंची सीने वाले की आंखें लाल, सामने सेना खड़ी हुई, सेना की आंखों में सवाल कि आखिर कब तक। और इतने में मोदी जी पर फोन आता है, उनकी रिंग टोन बजती है। रिंग टोन पे जो गाना बजता है, अगर गुजरात के सूरत के एक एक व्यक्ति के पसंद का गाना उस रिंग टोन पे, तो मुझे कहने की जरूरत ना पड़े। दोनों हाथ उठा के आकाश भर तालियां बिखरे इस वातावरण में। 56 इंची सीने वाले की भी आंखें लाल, सेनाओं के हाथ में संकल्प। और इतने में गाना बजता है, रिंगटोन बजती है, सेना की आंखों में सवाल है और रिंगटोन बजती है। किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना, देश भी है ऐसे बेकरार, मैं हूं ना, पुलवामा में उसने हमको आंसू दे दिए, तू भी उनको घर में घुस के मार, मैं हूं ना। अच्छा, किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना। और डॉक्टर साहब के कमरे में बैठा स्वागत है। रिंगटोन बची, पता लग गया मामला क्या। रिंगटोन बजी, आप से हमको बिछड़े हुए, एक जमाना बीत गया, उनका मुकद्दर बिगड़े हुए, एक जमाना बीत गया। ये मेरा धर्म था, ये मेरा फर्ज था। दो पंक्तियां और दे करके लौटता हूं अपनी औकात पर कि कैसे मोल चुकाएंगे हम। ये मेरा फर्ज है, ये मेरा धर्म है, राष्ट्र के प्रत्येक कवि का ये धर्म है कि कैसे मोल चुकाएंगे हम उन माताओं पिताओं का। वाह, एक कुत्ता जिम्मेदार है उन 40 चिताओं का। नहीं चाहिए कोई पैकेज, ना ही कोई विकास चाहिए, कश्मीर के लाल चौक पर हाफिज सईद की लाश चाहिए। ये पूरे देश का स्वर है, होना भी चाहिए। और गुजरात से हमेशा जो भी स्वर उठता है वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जाकर के ही रुकता है, ये इतिहास गवाह है साहब। आइए, जैसा कि बताया, आज आपके सामने हिंदुस्तान का प्रथम ISI मार्क का सिंधी कवि मौजूद है। दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध, 1857 का संग्राम और भारत देश की आजादी के बाद चौथी ऐतिहासिक दुर्घटना है सिंधियों में किसी कवि का पैदा होना। अक्सर जब मैं अपनी दुकान पर पिताजी के साथ अकेला रहता हूं, तो पिताजी मुझे बड़े ध्यान से ऊपर से नीचे तक देखते रहा करते हैं कि गलती कहां पर हो गई, आम के बगीचे में यह बबूल का झाड़ कहां से पैदा हो गया साहब। लेकिन चलता रहता है साहब, हम तो हास्य के कभी उल्टे सीधे जवाब मिले,
हास्य का कवि तैयार, मेरा बड़ा बेटा है 10वीं में पढ़ता है, पिछले साल फेल हो गया था, इस बार फिर फेल हो गया, मैंने उसको डांटा, मैंने कहा नालायक यही संस्कार है, आसपास के वातावरण को देख, कुछ सी शर्मा जी की लड़की को देख 98% नंबर, वर्मा जी की लड़की को देख 97% नंबर, मेरे बच्चे ने पढ़ने के जवाब दिया, उन्हीं दोनों को देखने के चक्कर में 2 साल से फेल हो रहा हूँ, और कितना देखूं मैं उनको। आपकी तालियां ठाका गलत जगह पे आ गए, मस्ती लेना मजे लेना, मैं टेंशन देता नहीं, टेंशन देना मेरा काम नहीं। मेरा दूसरा बेटा है, क्लास 4 में पढ़ता है, 8 साल की मासूम उम्र, कभी मैंने उसको प्रसन्न नहीं देखा, स्कूल से लौटता था निराश उदास हताश, कभी मैंने प्रसन्न नहीं देखा। एक दिन स्कूल से लौट के आया तो बड़ा प्रसन्न, नाच रहा है, गा रहा है, कूद रहा। मैंने कहा हुआ क्या रे, पहली बार स्कूल से लौट के इतना प्रसन्न। वो बोला पापा कुछ मत पूछो, स्कूल में जो नई मैडम आई इतनी क्यूट और ब्यूटीफुल, 8 साल का बच्चा अपने बाप को बता रहा, ऐसा लगा सूखे कुएं में कूद पड़ूं जाकर के मैं, सूखे। बोला पापा इतनी क्यूट और ब्यूटीफुल की लगता है पढ़ाती रहे पढ़ाती रहे पढ़ाती रहे, 40 मिनट का पीरियड तो ऐसा लगता है 5 मिनट में खत्म हो गया। मैंने कान पकड़ के उसको डांटा, मैंने कहा नालायक यही संस्कार है, जो मैडम पढ़ाती है तुझे शिक्षा का दान देती है तुझे ज्ञान देती है, हमेशा उसको अपनी माँ समझना चाहिए। मेरे बच्चे ने पलट के जवाब दिया पापा आप हरदम अपने जुगाड़ में रहते हो। हम लोग करें तो करें क्या साहब, आजकल बच्चे पैदा होने बंद हो गए, डायरेक्ट बाप पैदा होने लग गए, असली टेंशन इस बात का है साहब। ये हिंदुस्तान है, यहाँ हंसाने के लिए कहीं दूर जाना नहीं पड़ता साहब, यहाँ तो दीवाने लोग हैं। पद्मावती फिल्म रिलीज होनी थी, आधा हिंदुस्तान चल गया, नहीं रिलीज होने देंगे, ऐसा है वैसा है ये है वो। बाद में हुआ क्या साहब, नाम बदला, पद्मावती का पद्मावत किया और फिल्म रिलीज कर दी, कंटेंट पूरा वही। तो बिहार के लोग अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पहुंचे, बोले सर जब पद्मावती का नाम बदल के पद्मावत करके प्रतिबंध हट सकता है, फिल्म रिलीज हो सकती है, तो एक बार आप भी शराब का नाम बदल के शरबत करो, रिलीज करो, इस बात का टेंशन है भाई साहब, रास्ता निकालो। इसलिए साहब हिंदुस्तान मजेदार देश है, आनंद देने वाला देश है, यहाँ हंसने के लिए कहीं दूर जाना नहीं पड़ा। हिंदुस्तान ही वो देश है जहाँ दीवारों पे लिखना मना, ये बात भी दीवारों पे लिख के ही बताई जाती है। कहाँ तनाव है, कहीं कोई तनाव नहीं, इसलिए कोई टेंशन वेंशन मत लीजिएगा, मैं कोई टेंशन नहीं देता साहब। अक्सर लोग फोकट के टेंशन में रहते, आखिरी बात कहता फोकट का टेंशन कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं इससे। कानपुर स्टेशन के बाहर निकला, एक आदमी सर पे हाथ रख के बैठा था, मैंने कहा हुआ क्या, बोले भाई साहब अपना काम करो टेंशन लो। मैंने कहा किस बात का टेंशन, बोले आप दूर कर ही नहीं सकते। अरे मैंने कहा बताएगा किस बात का टेंशन, बोले नहीं मैं इतनी देर से बैठा बैठा ये सोच रहा हूँ कि जिस आदमी ने जन्म लिया एक ना एक दिन मरेगा। अरे मैंने कहा गीता रामायण महाभारत सब में लिखा, तेरे को काय का टेंशन। बोले नहीं मैं ये सोच रहा हूँ जब आदमी मरता है तो उसको उठा के 4 आदमी ले जाते। अरे मैंने कहा ढंग का तो 4-6 पीछे भी जाते, तेरे को काय का टेंशन। बोले नहीं मैं इतनी देर से बैठा बैठा ये सोच रहा हूँ कि जिस दिन आखिरी आदमी मरेगा उसको उठा के कौन ले जाएगा। देखो ये होता है फोकट का टेंशन, कोई लेना देना नहीं है उससे साहब, लेकिन लोग पालते हैं साहब, इसलिए मैं कुछ नहीं कहता। डॉक्टर साहब की मौजूदगी के कारण कुछ अतिरिक्त भीड़ है, इसलिए वो कविता अतिरिक्त लोगों को सुनाने का अवसर मिलेगा, इसके लिए डॉक्टर साहब को सैल्यूट करते हैं, धन्यवाद देते हैं साहब। कश्मीर का टेंशन कश्मीर के कारण ये हो रहा है, गुजरात के लोग बढ़िया समझदार लोग हैं, आप लोग से ज्यादा समझदार कौन हो सकता है। मैंने एक बार माननीय मुख्य PM साहब को कहा था, मोदी जी 56 इंच सीने वालों को कहा था कि कश्मीर का टेंशन अगर इतना ज्यादा है तो जैसे बाकी शहरों के नाम बदले सर, तो कश्मीर का भी नाम बदल दीजिए, उसका भी नाम रख दीजिए हिमाच्छादित पुष्पित पल्लवित प्रदेश। पाकिस्तान तो मांग ही नहीं पाएगा कि मांगे तो मांगे क्या, लेकिन अब हमारी सलाह वो मानते नहीं, इसलिए कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं है। एक कविता, वो कविता जिसने मुझे इतने बड़े कवियों के बीच उतने बैठने लायक औकात बनाई, मेरी वन बंधु परिषद का ये कार्यक्रम है, ऊपर वालों का भी ध्यान चाहूंगा क्योंकि वो ईश्वर के थोड़ा ज्यादा नजदीक है, उनकी भी तालियां आ जाएंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इस सारे कवि तालियां मांगते हैं, मेरे गुजरात सूरत के अच्छे लोगों तालियां हम लोग इसलिए मांगते हैं, तालियों से कोई कविता छोटी बड़ी नहीं होती, तालियां इन दिनों हम लोग इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि वर्तमान दौर में ताली ही एक ऐसी चीज बची है जो कम से कम सांप्रदायिक नहीं, बाकी तो सारी चीजें सांप्रदायिकता में बढ़ गई, रंग बढ़ गए साहब, हरा तुम्हारा केसरिया हमारा, जानवर बढ़ गए, गाय हमारी बकरी तुम्हारी,
तब ऐसे में ताली ही कम से कम ऐसी चीज बची है जो चाहे हिंदू बजाए, मुसलमान बजाए, सिख बजाए, ईसाई बजाए, ताली की आवाज कम से कम एक जैसी आती है। ताली गुजराती बजाए, मराठी बजाए, सिंधी बजाए, ताली की आवाज एक जैसी आती है। और मेरे सूरत के अच्छे लोगों, ताली तो इस बात पे उठे कि अमीर और गरीब आदमी की थाली में अंतर हो सकता है, लेकिन उसकी ताली में आज तक कोई अंतर नहीं होता है भैया। इसलिए ही तालियां वालियां बजती रहेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। एक छोटी सी कविता सुना देता हूँ। 11 साल की काव्य साधना में माँ सरस्वती ने मेरी झोली में जो सबसे अच्छा डाला वो आपको सौंपता हूँ। कविता क्या है? मीडिया की उपज है साहब। मीडिया आजकल का इतना तेज कि इधर घटना घटी और अखबार में हाजिर, इधर घटना घटी और अखबार में छपी। अब तो कभी कभी घटनाएं इंतजार करती कि अखबार में छपे तो हम घटे। मुझे एक छोटा सा किस्सा याद पड़ता है। एक बार एक जंगल में एक बंदर अपनी बंदरिया को अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा था। बंदरिया भी बड़े ध्यान से सुन रही थी। सुनते सुनते जब बोर हो गई तो बंदर से कहा, इतना ही बहादुर है तो नीचे शेर बैठा है, उसकी पूंछ मरोड़ के दिखा। अब साहब जो बंदर अपनी बंदरिया की बातों में आ जाते हैं, आप लोग कैसा कुछ नहीं कह रहा, तो बढ़िया लोग जो आ जाते हैं वो ऐसा भी कर लेते हैं। शेर बंदर आया, ताव में नीचे उतरा और शेर की पूंछ मरोड़ दी। शेर ने सोचा कोई ताकतवर जानवर है, तब तो ऐसी बदतमीजी कर रहा। आंख खोल के देखा तो बंदर शेर का दिमाग खराब हो गया। उसने लाल लाल आंखें करके बंदर को दौड़ा दिया। अब बंदर आगे आगे, शेर पीछे पीछे, जाए तो जाए कहां, भागते भागते जंगल खत्म हो गया। तो बंदर एक गांव में घुस गया। गांव में भी कहां जाए तो देखा एक टेलर मास्टर अपनी मशीन छोड़ के चला गया था। मशीन के ऊपर अखबार रखा था, अखबार के ऊपर चश्मा। बंदर को जान बचाने का कोई तरीका नहीं सूझा तो उसने चश्मा लगा लिया और पूरा अखबार सामने कर लिया। अब शेर आया तो भटक गया क्योंकि बंदर पूरा अखबार में ढक गया। तो टेलर मास्टर के धोखे में शेर ने बंदर से ही पूछा, क्यों भाई तुमने इधर से बंदर को भागते देखा क्या? तो बंदर ने भी अखबार पढ़ते पढ़ते अखबार के पीछे से जवाब दिया कि वही बंदर जिसने अभी कुछ देर पहले शेर की पूंछ मरोड़ी। तो शेर हैरान रह गया, बोले छप गई क्या? इतना तेज मीडिया साहब कि जंगल का राजा शेर तक डरे। तो वही मीडिया से निकली हुई ये कविता अमेरिका के पिछले राष्ट्रपति जॉर्ज बुश जब इराक के दौरे पर गए तो एक इराकी पत्रकार जैदी ने उन पर जूता फेंक दिया। वो जूता कई एंगल से दिखाया गया। 6 महीने तक जूता जैदी चला। मैंने जैदी से पूछा, मैंने कहा तुम बहादुर कौन, तुम लोग तो बम फेंक के मारा करते थे, ये जूता कब से? उसने जो जवाब दिया तबीयत खुश कर दी। बोले देखो सुंदरानी जी, किसी पर बम फेंक के मारो निशाना चूक जाए तो आदमी बच जाता है, एक बार किसी पर जूता फेंक के देखो अगले को लगे नहीं लगे अगले का काम तमाम हो जाता।